press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी अगली खबर शामिल करेंगे प्रियंका चोपड़ा के हवाले से। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपने भाई की सालगिरह की वजह से आईफा अवार्ड में शिरकत से इनकार कर दिया। जहां बॉलीवुड के सब सितारे न्यूयॉर्क शहर में आईफा अवार्ड्स में शिरकत कर रहे हैं, वहीं अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने भाई की खातिर इस तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट के जरिए बताया कि वो मुंबई में अपने भाई सिद्धार्थ की सालगिरह के लिए अहले खाना के साथ मसरूफ़ हैं। अदाकारा ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में भाई के साथ माजी की तस्वीर भी शेयर की और अपने भाई के लिए अनेक तमन्नाओं का इजहार किया। लेकिन प्रियंका के मदाहों के लिए एक खबर ये भी है कि अदाकारा की सालगिरह भी ज़्यादा दूर नहीं और वो 18 जुलाई को अपनी 35वीं सालगिरह मनाएंगी। जी नाजी, इसी साथ ही हम शामिल करेंगे प्रियंका चोपड़ा की एक और खबर। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड की एक और फिल्म साइन कर ली है, जिसकी अक्सबंदी का जल्द ही आगाज कर दिया जाएगा। मिस वर्ल्ड का ताज सर पर सजाए और बॉलीवुड में बेशुमार कामयाब फिल्मों में काम करने के बाद प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड में भी तेजी से अपने कदम जमा रही हैं और उन्होंने अब हॉलीवुड में अपनी तीसरी फिल्म भी साइन कर ली है। अमरीकी टीवी शो क्वांटेको से अपने बैन अलावामी करियर का आगाज करने के बाद उन्होंने अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म बे वॉच में ड्वान जॉनसन दी रॉक के साथ काम किया। इसके बाद उन्हें दूसरी फिल्म एक लाइक जैक में काम करने का मौका मिला, जो रवा साल रिलीज होगी। अब उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म इजंट इट रोमांटिक भी साइन कर ली है, जिसमें उनके साथ रेबेल विल्सन और एडम ड्वान मरकजी किरदारों में जलवागर होंगे। रोमानवियत और मजाक पर मुबनी इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा इजाबिला नामी एक योगा ट्रेनर की रूप में दिखाई देंगी और फिल्म की शूटिंग का न्यूयॉर्क में बहुत जल्द आगाज कर दिया जाएगा।